हेलो एवरीबॉडी वेलकम टू क्वांट स्टडी तो आज मैं आपके लिए जनरल साइंस का जो मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज़ हम चला रहे हैं उसका पार्ट टू लेके आया हूँ पार्ट वन ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे चैनल पे अगर आपने नहीं देखा है वो आप देख लीजिए उसके अलावा अगर आपने हमारे चैनल क्वांट स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है आप सब्सक्राइब कीजिए और डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा हमारे चैनल का टेलीग्राम चैनल का तो वो आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें आज का लेक्चर शुरू करते हैं आज हम क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन से शुरू करने वाले हैं इसके पहले हम फिफ्टीन क्वेश्चन कर चुके हैं अगर आपने नहीं देखे मैं फिर से बता रहा हूं आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन क्या है बाइल जूस इज स्टोर्ड इन तो आंसर है गाल ब्लैडर क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन व्हाट काइंड ऑफ ब्लड इज प्रेजेंट इन स्नेक फ्रॉग एंड लिजर्ड तो आंसर है कोल्ड ब्लड द बोन इन बर्ड्स इज आंसर इज हॉलो क्वेश्चन नंबर नाइनटीन इंसुलिन डैश ब्लड प्रेशर तो डिक्रीज करता है इसीलिए डिक्रीजेस आंसर आएगा अगर आपको ये आंसर्स पता है तो आप प्लीज़ कमेंट्स में बताइए यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी विटामिन सी इज आल्सो नाउन एज तो विटामिन सी को हम और क्या कहते हैं इसको कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड आप मुझे बताएंगे कि विटामिन ए को हम क्या कहते हैं बी को हम क्या कहते हैं और डी को क्या कहते हैं आप सारे कॉमेंट्स में बताएंगे ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी लार्जेस्ट ऑर्गेनल ऑफ एन ईकोरियोटिक सेल क्या है तो वो है क्लोरोप्लास्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू द हॉर्मोन इंसुलिन इज़ अ पैप्टाइड देखिए सारे क्वेश्चन जो हैं एग्ज़ाम के बेस पे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं इसीलिए आपको करने ही करने हैं ठीक है तो हार्मोन इंसुलिन क्या है ये एक पैप्टाइड है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री द स्वीटेस्ट शुगर इज तो आंसर क्या है फ्रक्टोस क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर विच मेटल इज प्रेजेंट इन हेमोग्लोबिन हेमोग्लोबिन सॉरी तो आंसर है आयरन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव सिम्टम्स ऑफ कोरोना वायरस आर तो आंसर है फीवर कफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी इज तो क्या है फेमर कौन सी बोन है लार्जेस्ट फेमर क्वेश्चन नंबर एक सेकेंड हाँ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन स्मॉलेस्ट मसल इन ह्यूमन बॉडी तो कौन सी है स्टेपडियस क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी है तो वो है थायरॉयड ग्लैंड क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन जो है लार्जेस्ट वेन इन ह्यूमन बॉडी तो आंसर है इंटीरियर वैनाकेवा क्वेश्चन नंबर थर्टी स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी इज आंसर है स्टेप्स क्वेश्चन नंबर थर्टी वन नेम द स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड तो आंसर है पिच्यूटरी ग्लैंड क्वेश्चन नंबर थर्टी टू टोटल नंबर ऑफ बोन्स कभी कभी आज भी भूल जाते हैं बच्चे तो इसका आंसर है टू हंड्रेड टू हंड्रेड एंड सिक्स बोन्स क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज तो आंसर है सैरी ब्रम क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज तो आंसर है सेवन मीटर क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव लेंथ ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज तो आंसर है वन पॉइंट फाइव मीटर इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना लार्ज की छोटी होती है लेंथ और स्मॉल की बड़ी होती है लेंथ मतलब ज़्यादा लेंथ होती है ठीक है तो कलर ऑफ आई किस पे डिपेंड करता है आइरिस पे ठीक है तो कलर ऑफ आई डिपेंड्स ऑन आइरिस क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन वर्ल्ड्स एड्स डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन

ताजमहल इज़ अफ़ेक्टेड बाय सॉरी ये डैश मैंने गलती से लगा दिया है यहाँ पर आपको बताना है कि ताजमहल किससे मतलब हाईली अफ़ेक्ट हुआ है बहुत ज़्यादा अफेक्ट किससे हुआ है ठीक है तो uh, दूसरा लेक्चर जो है वो परसों आएगा मेरा इसके बाद दूसरा नहीं तीसरा पार्ट इस uh, मतलब वीडियो का तो आप वो देख लेना आप कंटिन्यूसली हमारे जो लेक्चर्स आ रहे हैं बाकी भी सब्जेक्ट्स चल रहे हैं वो भी आप देखिए ठीक है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो